Welcome to my secret recipe. आज हम बनाने जा रहे हैं काशीफल। काशीफल कह लीजिए मीठा कद्दू या फिर घिया कद्दू। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो काशीफल, 3 अदद प्याज दरमियाने साइज की, 6 से 7 अदद बटन चिलीज या साबुत गोल मिर्च, 1 चमची टीस्पून मैंने लिया है ये कलौंजी, 3 जवे लिए हैं लहसुन के, 1/2 टीस्पून लिया है, आधा टीस्पून मैंने लिया है ये सौंफ, 1 टीस्पून जीरा सफ़ेद जीरा, हल्दी 1 टीस्पून, बल्कि 1/2 टीस्पून ले लेते हैं, 1 टीस्पून मैंने लिया है ये नमक और ये 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। और ये जो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है अचार। इसकी कैरी मैं ले लिया करती हूँ जब मुझे कैरी अवेलेबल नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज काट लेंगे स्लाइसेस में, एक पैन में ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया तो मैं ये कटी हुई प्याज जो है स्लाइसेस में इसे डालूंगी। ये ऐड कर ली मैंने। इसे हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करेंगे। देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इसके अंदर मैं ये कलौंजी जो थी इसे ऐड करूंगी। थोड़ा सा पॉप्ड अप हो जाएगी कलौंजी। उसके बाद मेरे पास ये जीरा है, सफेद जीरा, इसे डाल दूंगी। अब ये सौंफ और ये बटन चिलीज या सिर्फ गोल सुर्ख मिर्च, अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इस पॉइंट पे मैं अपने काशीफल ऐड कर दूंगी इसके अंदर। मोटी मोटी स्लाइसेस में कटा हुआ है ये। थोड़ा सा चमचा चलाया और ये जो मैंने जो 3 मेरे पास जवे थे लहसुन के मोटे मोटे चॉप कर लिए उनको डाल दिए साथ में। अब ये हल्दी, नमक और कुटी मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। ये चमचा चलाएंगे अच्छी तरह ताकि मिक्स हो जाए ये सारी चीज़ें। इस पॉइंट पे जब ये सारे मसाले मिक्स हो गए काशीफल में तो मैं ऐसा करती हूँ, इस वक्त क्योंकि मेरे पास कैरी नहीं है, कैरी का सीज़न नहीं है, तो मैं अचार में से ये कैरी लेती हूँ और 1 अदद इसमें ऐड कर देती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है तो इसका थोड़ा सा मसाला या थोड़ा सा ऑयल 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँ, उसकी खुशबू आ जाती है इसमें। एंड आई लाइक इट वेरी मच। कर लिया है यहाँ पर। मैं चाहूँगी काशीफल अपने ही पानी में पके, क्योंकि जो सब्ज़ी अपने ही पानी में पकती है वो ज़्यादा मज़ेदार होती है। हमने फ्लेम कम कर दिया, लो कर दिया और इसे कवर कर दूँगी। अब 5 मिनट के बाद खोल के देखेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। आई होप उस वक्त तक गल चुकी होगी। आइए लिड हटा कर देखते हैं। ये देखिए
इतने खूबसूरत कलर्स लग रहे हैं इसके, ग्रीन, रेड, ग्रीन कलर का ये काशी फल का छिलका, क्योंकि हरा था मैंने उतारा नहीं था इसके स्लाइसेस पर से। अच्छा लगता है, पकता भी अच्छा लगता है खाने में, और ये डिश भी बड़ी खूबसूरत लगती है। इतना अच्छा एरोमा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, कुछ अचार का मसाला भी था, कुछ ज़ीरा, कलौंजी, लाल मिर्च, इस सब मिल मिला के ना भूख बढ़ा रही है। ये फल मेरे ख्याल से इसलिए कहते हैं कि इसके छिलकों पे कुछ नक्काशी सी हुई हुई है, हो सकता है इसलिए कहते हो। वैसे पता है इस रेसिपी की वजह से मैं काशी फल खाने लगी मैं खुद भी, वरना मुझे पहले नहीं पसंद था, ये मैंने फिर डिवेलप करी ये रेसिपी एंड आई लाइक्ड इट वेरी मच नाउ। देखिए फोक से मैं चेक कर रही हूँ, ये गल भी चुका है, फोक अंदर जा रहा है, सॉफ्ट हो गए हैं। अभी आपका ये आप कितना सॉफ्ट रखते हैं, मुझे ज़रा क्रिस्प सब्ज़ी अच्छी लगती है और मैं इसे ज़रा क्रिस्प ही रखती हूँ और रख रही हूँ। Subscribe my channel for more secret recipes and don't forget to press the bell icon.